चैनल में आपका स्वागत है। मैं ट्राउजर की कटिंग करना सिखाती हूँ आपको। यहाँ से बेल्ट लेंगे, आगे के पर्त की मैंने कटिंग है 10 इंच, और यहाँ से हम 11.5 इंच आसन लेंगे इसका, और यहाँ गुलाई दे दी है मैंने, और इसकी हाइट लिए मैंने 36। अब हम आगे की पर्त की कटिंग कर चुके हैं और बैक पार्ट की करते हैं अब कटिंग। फ्रंट की कटिंग मैंने कर ली है और बैक पार्ट। अब ये फ्रंट पार्ट मैंने कटिंग कर चुकी हूँ और ये बैक पार्ट है। इस पर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इसके बराबर में, और इससे निशान लगा के ऐसे कर लेंगे। यहाँ 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ये 2 इंच का मार्जिन हो गया, और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे में कटिंग दे देंगे, पीछे का भाग जो है 1/2 इंची मार्जिन ज़्यादा लेना है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? यहाँ से बैक जो होती है थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, यहाँ से ऊपर से हमें 1/2 इंची एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ताकि खिंचाव ना पड़े। इसको बराबर कर लिया, ठीक है। देखो इस वाले से 1/2 इंची एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर करना है, और यहाँ से 2 इंची लेना है और इसमें गोलाई देनी है, और यहाँ से 1/2 इंची एक्स्ट्रा लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये पीछे वाला भाग है, ये आगे का भाग है, और इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है मैंने, बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। पार्ट है ये, फ्रंट पार्ट है, इसकी कटिंग हो चुकी है, और अब हम बेल्ट निकाल लेते हैं इसकी 2 इंच की। ये हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है, ट्राउज़र की कटिंग करके मैंने अलग रख दी है, और इसमें से हम 10 इंच में आगे वाले फ्रंट पार्ट की बेल्ट निकालेंगे। बीस इंच में, ठीक है, वो भी सिंगल पर्त में निकालेंगे। इसकी चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, अब इसको हम सीधा निशान लगा लेंगे। लिए आगे में आगे बेल्ट बुकरम लगा के इसमें बेल्ट जोड़ूंगी मैं आगे फ्रंट वाले पार्ट में, इसके डबल फोल्ड करके इसमें बुकरम डाल के, और इसको मैं उसमें अटैच करूंगी। अब इस कपड़े में से हम बैक पार्ट की बेल्ट निकाल लेते हैं। बोलो, अब मैं बैक पार्ट के लिए बेल्ट निकाल लेती हूँ जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे, और वो है हमारा 28 इंच से 28 इंच की लंबाई लेनी है, और इसकी चौड़ाई लेनी है 4 इंच, ठीक है। तो हम 4 इंच पे इसका निशान लगा लेंगे सीधा। इसकी कटिंग करते हैं। ये है हमारे ट्राउज़र की आगे वाली बेल्ट के लिए, और ये है जिसमें इलास्टिक लगेगी पीछे, उसमें बेल्ट लगाने के लिए बैक पार्ट में, ठीक है। तो अगली वीडियो में स्टिच करके दिखाती हूँ आपको कैसे स्टिच करते हैं। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।